हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिसका नाम राकेश जी टेक्निकल है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ओला कैब पर किस प्रकार से गाड़ियों की बुकिंग की जाती है। इससे पहले आप किसी ट्रैवल एजेंसी से कोई भी गाड़ी को बुकिंग करते हैं और उस गाड़ी से आप किसी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बस स्टैंड कहीं भी जाकर आप ड्रॉप हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको आने और जाने दोनों तरफ का आपको भाड़ा उस गाड़ी वाहन को देना पड़ता था। तो कहने का मतलब, यदि आपने 50 किलोमीटर दूरी तय की होगी तो आपको 100 किलोमीटर का पैसा देना पड़ता था। लेकिन आपको ओला कैब पर यदि गाड़ियों को बुकिंग करते हैं तो आपको तय की गई दूरी का ही आपको पैसा देना पड़ेगा। यदि आपने 50 किलोमीटर दूरी तय की है तो आपको 50 किलोमीटर का ही पैसा देना पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऐप है यदि आप कहीं ट्रैवल करते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस ओला कैब पर अपना अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं और गाड़ियों की किस प्रकार से बुकिंग की जाती है। इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही इसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। आप राइट एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक मोबाइल नंबर यहाँ डालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम यहाँ एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं नेक्स्ट, उस नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में एक OTP जाएगा जो इस नंबर को वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद आपको एक नया पेज आ जाएगा। इस पेज पर आप वहाँ अपना नाम प्रेस कर दें और रजिस्टर पर क्लिक कर लें। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद या आपका अकाउंट जो है उस नंबर से आपको इस नाम से रजिस्टर हो चुका है इसे ओला कैब पर। इसके बाद आप यहां देख रहे हैं स्टार्ट बुकिंग, तो स्टार्ट बुकिंग पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको कुछ परमिशन आपसे मांगा जाएगा, तो अलाउ के बटन पर आप क्लिक करते जाएँ। उसके बाद आपको यहाँ अपना लोकेशन ऑन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ अपना लोकेशन को ऑन कर लें। उसके बाद आपके लोकेशन के आसपास जितनी भी ओला कैब की गाड़ी है आपके आसपास आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएंगे। उसमें से आप कोई भी गाड़ी को सेलेक्ट कर अपने लोकेशन पर उसे बुला सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे नीचे माइक्रो गाड़ी जो है सबसे पहली जो चीप एंड बेस्ट होती है, जो आपके लोकेशन पर कितने देर में पहुंच जाएंगे उसकी टाइमिंग जो है ऊपर में दिख जाएगी। जैसे हमारे लोकेशन पर 4 मिनट में पहुंच जाएगी। दूसरा है मिनी जो 4 मिनट में पहुंच जाएगी। तीसरी है शेयर की गाड़ी जो आप मेरे लोकेशन पर 2 मिनट में पहुँच जाएगी। उसके बाद है प्राइम की गाड़ी जो है हमारे लोकेशन पर 10 मिनट में पहुंच जाएगी। उसके बाद ऑटो जो है हमारे लोकेशन पर अवेलेबल नहीं है इसकी सेवा। उसके बाद है रेंटल्स जो है हमारे लोकेशन पर 9 मिनट में पहुंच जाएगी। तो हम यहाँ माइक्रो की जो गाड़ी है इसे हम आपको बुक करके बताएंगे तो इसे किस प्रकार बुक किया जाता है। तो हम राइट नाउ पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप ऊपर में इंटर ड्रॉप लोकेशन पर आप उस लोकेशन को यहाँ टाइप करें जिस लोकेशन पर आपको जाना है। तो हम यहाँ एक लोकेशन को हम आपको डेमो के तौर पर हम दिखा देते हैं। हम एक लोकेशन को यहाँ दे चुके हैं। उसके बाद राइट नाउ पर हम क्लिक कर लेंगे। राइट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। चाहे तो आप अपने सफ़र के दौरान इंश्योरेंस रखना चाहते हैं तो सिक्योर माई राइट्स को ऑन रहने दें, अदरवाइज इसे ऑफ कर दें और प्रोसेस इंश्योरेंस पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ हमने जो गाड़ी बुक किया था माइक्रो उसका प्राइस बता रहा है कि हमारे लोकेशन पर जो हमने सेलेक्ट किया था ड्रॉप लोकेशन उस लोकेशन पर पहुँचाने का 274 रुपये यहाँ लगेगा। यदि हम शेयर से जाते हैं तो 229 रुपये लगेगा। शेयर में ये होता है कि आपके साथ 2 से 4 बंदे भी हो सकते हैं,
और नहीं भी हो सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप 274 रुपये ही बुक करके जाएं और अपने आप को सेफ महसूस करके सफ़र करें। तो हम कंफर्ट बुकिंग पर हम क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद एड मनी का जो है हमने पेमेंट का ऑप्शन है, तो चाहे तो ओला एड मनी के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं या आप कैश का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो हम यहाँ कैश का ऑप्शन चुन लेते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कैश के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने कंफर्म बुकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, उस कंफर्म बुकिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लें। उसके बाद आपके लोकेशन के सबसे पास जो ओला कैब की जो गाड़ी होगी उसकी पूरी डिटेल आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएंगे, उसका नाम, उसका नंबर, उसकी गाड़ी की नंबर, उसकी रेटिंग, ये सब सारे चीज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे लोकेशन के आसपास जो सबसे नज़दीक जो गाड़ी ड्राइवर है उसका पिक्चर आ गया है, उसकी गाड़ी है, उसका गाड़ी का जो नंबर है दिख गया है, कितने प्राइस लगेंगे वो दिख रहा है, इसकी क्या रेटिंग है सारा दिख गया है। चाहे तो आप उसे कॉल करके बुला सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इसे इस बुकिंग को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो 5 मिनट के भीतर इस बुकिंग को आप कैंसिल कर सकते हैं, और कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर आप यहां कैंसिल के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यदि 5 मिनट के भीतर आप यदि कैंसिल नहीं करते हैं तो अगले बुकिंग में ये 50 से 100 रुपये जो इनकी चार्जेज होती है वो आपके अगले बुकिंग में काट लेंगे या ऐड उसमें कर देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप ओला कैब पर गाड़ियों की बुकिंग करना सीख गए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।